भगवान श्री कृष्ण ने अब पौंगड़ अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश कर लिया था। एक दिन भगवान मैया से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया ने कहा, अच्छा लाला तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हम क्या करें। भगवान बोले, मैया अब हम गायों को चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। झट से भगवान बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लाला तुम अभी छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान बोले, बाबा हम तो गायों को ही चराएंगे। जब लाला नहीं माने तो बाबा ने कहा, ठीक है लाला, लेकिन पहले पुरोहित जी गौचारण का मुहूर्त देखेंगे। अब लाला पुरोहित जी कहकर रोने लगे। इतने में शांडिल्य ऋषि आए, पांचांग खोलकर बार बार उंगलियों पर गिनते। बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, केवल आज ही के दिन का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। आपका लाला तो मुहूर्त देख कर रोया है। बाबा ने गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय जो काम करें वही मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण शुरू कर दिया। वह शुभ दिन कार्तिक माह का गोपाष्टमी का दिन था। माता यशोदा ने लाला का श्रृंगार कर दिया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो बालकृष्ण ने मना किया और कहने लगे, मैया मेरी गौएं भी तो जूते नहीं पहनती, तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि तुम पहना सकती हो तो सारी गईयों को जूतियां पहना दो, फिर मैं भी पहन लूंगा। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे कभी उन्होंने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। अब भगवान अपने सखाओं के साथ गौएं चराने के लिए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम जी और फिर श्री कृष्ण का यशगान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया और तब से गौचारण लीला करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गायों और ग्वालों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा था। 8वें दिन इंद्र ने आकर अपना अहंकार त्याग कर भगवान की शरण ली थी। इसके बाद कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया और उसी दिन से उन्हें गोविंद के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी दिन से अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। सारे देवी देवताओं का वास गौ में ही होता है। जो गौ की सेवा करता है गौ माता उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौओं को चारा और हरी घास खिलाने से मिल जाता है। जय गौ माता। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।